और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने आदिवासी समाज से की मुलाकात। आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, कहा आदिवासी समाज का चुनावी ऐलान है मजबूत। गुना विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न, सम्मेलन में संगठन प्रसार पर हुई चर्चा। उज्जैन में अल्पसंख्यक वर्ग और हिंदू समाज के बीच विवाद, मुस्लिम समाज ने कंट्रोल रूम का किया घेराव, हिंदू संगठन भी उतरे सड़कों पर। सागर में विधायक ने किया दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन, लगभग 200 मरीजों का करवाया गया पंजीयन, दिव्यांगों ने विधायक का जताया आभार। और रायगढ़ में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन, रिगल क्लब और वंडर बॉयज क्लब के बीच हुआ मुकाबला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर। बस्तर प्रवास से लौट रहे केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आदिवासी समाज प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात भी रखी। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर अरविंद नेताम ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उसे उलझा दिया गया है और मामला अदालत में है। 32% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समाज सदियों से सताए गए हैं और उन्हें हर लाभ से वंचित रखा गया है। आदिवासी छुआछूत वर्ण व्यवस्था में उन्हें बांधकर पीछे धकेल दिया गया। पेशा कानून पर भी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पेशा कानून को लेकर ईमानदार नहीं है। मूल कानून में जल जंगल जमीन का जो अधिकार आदिवासियों को दिया गया था, उसे इन सरकारों ने खत्म कर दिया है, जो समाज के लिए खतरे की घड़ी है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि सर्व समाज आदिवासी समाज के द्वारा चुनाव लड़ने का ऐलान किए जाने के मामले को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समाज को चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी में समाज को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने आज से 6 महीने पहले से ये फैसला किया कि इस बार विधानसभा में समाज की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाएगा। समाज को कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का, पर पिछले 15 साल का इस राज्य में समाज को बहुत कटु अनुभव है। कटु अनुभव इस बात की है कि हमारे 23 सूत्री मांग पिछले 10 साल से सरकार के सामने रखते रहे, उसमें किसी एक भी मांग पे कोई विचार नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो आरक्षण के मामले में हुआ था, वो भी अदालत में उलझ गया। तो ये कह सकते हैं कि 10 साल में हमारा जो समाज का मांग था 23 सूत्री, उसमें कोई विचार नहीं हुआ और कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। ये हमारा अनुभव है। तो जब सरकार ही सर सुनने को तैयार नहीं है, कोई उसका निराकरण नहीं होता, तो समाज में हमने सोचा भाई अब करें क्या, कहां जाएं। तो समाज ने यही सोचा कि भाई अब जब सुनने को तैयार नहीं है तो सब ये रास्ता अपना प्रजातांत्रिक जो रास्ता है तो चुनो। गुना में बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि रविवार को गुना विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय गार्डन मानीधारी में संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी गोपाल आचार्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर संगठन विस्तार पर चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने उनकी उपलब्धियों आदि के संबंध में विस्तृत से जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ही है जो गरीब कल्याण की चिंता करती है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से जनता को हर संभव सेवा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बहनों के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के माध्यम से बहनों के जीवन में खुशहाली लाई है। ऐसी ही अनेकों योजनाएं हैं जो हर वर्ग हर परिवार के लिए खुशियां लाई हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी न केवल प्रदेश में जीत की आधारशिला रखेगी, बल्कि यह जीत प्रदेश के विकास की आधारशिला भी साबित होगी।
कार्यकर्ता ही है और टिकाऊ कार्यकर्ता का उनका जो अंदाजा है कांग्रेस से उनने किया है। टिकाऊ जो कांग्रेस के अंदर है, हमारे टिकाऊ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिर सरकार और कुशल कर्णधार वाली पार्टी है और स्थिर सरकार चाहते हैं और हमारे जितने भी विधायक हैं सब कुशल कर्णधार हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है, वरना हम झुकने वाले लोग नहीं है, झुकने वाले लोग नहीं, टिकने वाले लोग नहीं है, रुकने वाले लोग नहीं, हम सतत चलने वाले और जनता के साथ चलने वाले, जनता का भला करने वाली सरकार। अब खबर शहडोल से है जहां आदिवासी बाहुल्य इलाकों में जागरूकता की कमी के कारण अंधविश्वास अपनी जड़ें मजबूत किए रहता है। धीरे धीरे वह अंधविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि उनकी जड़ हिलाने से भी नहीं हिलती। ऐसा ही कुछ हाल बुढ़ार जनपद के मूसरा गांव में रहने वाले एक अग्रिया परिवार का है। बता दें कि मूसरा गांव में रहने वाली 7 वर्षीय मासूम बच्ची इंद्रावती अग्रिया के सिर और बाल में इंफेक्शन संबंधित समस्या है, जिसकी वजह से उसके बाल रूखे और कठोर होकर नारियल जटा के समान हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने उसका इलाज कराने की बजाय अब भगवान शंकर का रूप मानने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा गांव इंद्रावती को भोले के नाम से भी पुकारने लगा है। वह सिर में जटा मुकुट लिए स्कूल में भी जाती है और पूरे गांव में भी घूमती है। ये तमाम लोग इंद्रावती को जटा मुकुट के लिए दिन भर देखते हैं और किसी ने भी इस गंभीर बात को जिम्मेदार अफसरों तक नहीं पहुंचाया। मैं आपको बता दें कि मैदानी अमला भी इंद्रावती को भगवान शंकर का रूप मानकर भोले कहने लगा और अंधविश्वास का साक्षी बन बैठा, जिसका शिकार कक्षा 3 में पढ़ने वाली इंद्रावती अग्रिया हो चुकी है। बहनी है, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं सब बच्चे। सबको ही कहते हैं भोले? सबको ही कहते हैं भोले। काहे कहते हैं भोले उसको? उसको बाल गुथा गया है इसलिए। तो सब कोई वहाँ स्कूल में भोले भोले बोलते हैं? जी। हम भोले मानी थी, सब गांव मोहल्ला वाले सब भोले माना थी। हमारी छोटी सी बच्ची है, हमारी नतनिया, उसका बाल समस्या है। हम भोले मानी थी, हमारे गांव मोहल्ला के सब भोले माना थी। बाल में जटा टाइप का है क्या पूरे उसके? पूरा जटा टाइप का है उसका मुंड में। डॉक्टर क्या ले गए रहे, कोई समस्या आई रही? डॉक्टर यहाँ ले गए रहे, वहाँ के सवा ही ले गए थे। क्या समस्या आई रही? वही घाव हो गए रही यहाँ पूरा, तो इतने बड़े बड़े बाल हो गए रही, ऐसे बिलता टाइप हो गए रही, फिर उसका कंगी हम नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से आ गए, घाव को अच्छा हो गए तो फिर लिया है ना अपन घर में। अभी नहीं ले गए हैं कहूँ। ये भोले काहे मानते हैं? भोले मानते हैं, नौकर जटा है, समान चुंदी बाल होकर बैठ गए हैं। पूजा पाठ भी करते हैं? पूजा पाठ तो अभी नहीं जाना है तो नहीं करें साहब। फिर अब खबर मेहा से है जहां पर सिविल अस्पताल के कंपाउंडर्स की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान रात में एक हादसा हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग आग की चपेट में आ गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल मेहर में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां पर स्टाफ और कंपाउंडर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि पीड़ितों के परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान ड्यूटी में तैनात डॉक्टर सोते मिले और कंपाउंडर्स उपचार में लापरवाही कर रहे थे। नहीं, कंपाउंडर्स द्वारा मरीजों के परिवारजनों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। खबर उज्जैन से है जहां बीते कुछ दिन पहले एक अल्पसंख्यक वर्ग की युवती के साथ हुए छेड़छाड़ और मारपीट की घटना ने बड़ा रूप ले लिया। इस घटना को लेकर अल्पसंख्यक वर्ग और हिंदू समाज के लोग आमने सामने हो गए। आपको बता दें कि कल दोपहर को मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस नेत्री नूरी खान के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव करते हुए छेड़छाड़ करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक युवक द्वारा महाकाल की सवारी निकाले जाने को लेकर भी धमकी दी गई, वहीं जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद शहर में बवाल मच गया है। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सड़क पर बैठकर चक्का जाम करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा हिंदू युवक के साथ की गई मारपीट का वीडियो सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
तो आपको बता दें कि ये खबर उज्जैन से है, जहां पर दोनों समाज, हिंदू और मुस्लिम समाज जो है वो सामने आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक वर्ग की युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला था, और जिसके बाद यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके द्वारा जो है पुलिस कंट्रोल रूम का भी घेराव किया गया। साथ ही आपको बता दें कि यह वीडियो जो है जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, और जिसके बाद इस विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया, और साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल के रूप में सामने सड़क पर बैठकर जमकर चक्का जाम करते हुए प्रशासन की ओर से और तमाम मुद्दों को देखते हुए जो है जमकर विरोध में नारेबाजी भी की गई। महाकाल की सवारी को लेकर आज कंट्रोल रूम में नूरी खान कांग्रेस नेता के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया, जिसमें एक मुस्लिम युवक यह कहते हुए बोल रहा है कि भैया ये सवारी निकाल के दिखाओ, ऐसी धमकी उसने दी है। महाकाल सबकी आस्था का केंद्र है, पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है महाकाल की, और पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसी धमकी दी गई है जो कि बिल्कुल निकृष्ट कार्य है। और चूंकि पुलिस कंट्रोल में ऐसी धमकी दी गई, इसलिए हम रासुका की मांग करते हैं कि उस पर रासुका लगाई जाए, साथ में धर्मद्रोह का केस लगे, साथ ही साथ इस पूरे ज्ञापन को लेकर जो नेतृत्व करता है उन पर भी जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। तो आज कंट्रोल रूम में ज्ञापन के दौरान एक युवक द्वारा सवारी नहीं निकलने देने की बात कही थी, इस पर जो है मनोज तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया, महेश तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, और जो वीडियो वायरल है उसके अवलोकन के आधार पर धारा 505 दो IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जल्दी की आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी की। सर, इसमें जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया था कंट्रोल रूम पर, क्या उनको भी आरोपी बनाया गया? हाँ, ये विवेचना में आएगा यदि उनकी संलिप्तता होगी या सहभागिता। रायगढ़ में पिछले तीन दिनों से खेलो प्रभा और प्रहर संवाद, रायगढ़ के नटवर स्कूल मैदान में फुटबॉल का महाकुंभ का आयोजन किया गया। यह फुटबॉल प्रतियोगिता खेलो प्रभा और प्रहर संवाद चैलेंज कप फुटबॉल प्रतियोगिता का तृतीय वर्ष का आयोजन था। वहीं आपको बता दें कि जिसका कल रविवार को समापन हो चुका है, जिसमें रिगल क्लब और वंडर बॉयज क्लब के बीच मुकाबला देखने को मिला, जिसमें रिगल क्लब 2-1 से विजयी रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विजेता उपविजेता के साथ साथ सभी खिलाड़ी को भी इनाम वितरित किए गए। मैच समापन कार्यक्रम हमारे नटवर स्कूल के मैदान में जो कि किया जा रहा था 3 दिवसीय, खेलो प्रभा एवं प्रहर संवाद के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जो कि आज समापन है। बापूनगर के बच्चे टीम विजेता हुए हैं, उनको प्राइज देते हुए उनका हौसला को बढ़ाया गया है, और आगे उसको मंच मिले ऐसे बच्चों को मैं बधाई देती हूँ। उप विजेता है, उसको थोड़ा सा संघर्ष करने की, मेहनत करने की जरूरत है, आगे उनको मंजिल मिले ऐसी उनके लिए भी उज्जवल ईश्वर से कामना करती हूँ। जो कि हमारे आयोजन समिति के द्वारा लगातार कई वर्षों से आयोजन कर रहे हैं, जो कि उनका उद्देश्य है कि बच्चों को एक अच्छा मंच मिले, हमारे रायगढ़ शहर का नाम रोशन हो। चैलेंज कप फुटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 2023 खेलो प्रभा एवं प्रखंड संवाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह टूर्नामेंट फुटबॉल पिछले लगातार 3 साल से किया जा रहा है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का यह मैच होता है, लगभग 10 क्लबों ने इसमें शिरकत की है। रिगल क्लब प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वंडर बॉयज द्वितीय स्थान। बापूनगर से कहना चाहूंगा, मैंने बच्चों से बातचीत भी की है आज, बहुत अच्छा मौका रहा। मैंने उनको कहा जीवन में खेल जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है, बच्चों खेल भी संजीदगी से खेलना और पढ़ाई भी अच्छे से करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैंने बच्चों को दिया है कि गुटखा पान मसाला से दूर रहना और मोबाइल का सदुपयोग करना, खेल जीवन में बहुत आवश्यक है, आपका फिटनेस बना रहता है, ऊर्जा रहती है और एक अच्छा वातावरण बनता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजकों को, बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और चाहूंगा साल दर साल इस कार्य को। खबर कबीरधाम से है, जहां पर पुलिस को पंडरिया थाना अंतर्गत 3 सटोरियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पंडरिया पुलिस को सूचना मिली थी कि पाड़ी निवासी खेमलाल पटेल अपने दुकान में आम जगह पर अंगणित के अंकों से सट्टा पट्टी लिखकर सट्टा खेला जा रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई आरोपियों के गिरफ्तार
की गई और गिरफ्तारी भी की गई, जिनके कब्जे से जुए में जीते गए रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं आरोपियों के खिलाफ तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। चंद्रावतीगंज में हजरत इमाम हुसैन की याद में मोहर्रम पर्व मनाया गया। शनिवार को शहादत की रात को इमाम बाड़े में मोहर्रम का जुलूस शुरू हुआ, जो कि पोटलोद रोड से नगर में होते हुए धर्माट रोड पर पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि जुलूस के आगे अखाड़े में पहलवान करतब दिखा रहे थे और युवा व हुसैन या हुसैन के नारे लगाकर आगे चल रहे थे। धर्माट रोड पर अक्षर टोल कांटे पर सुनील विनायक द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर पूर्व सरपंच मनोहर ठाकुर, गणेश चौधरी और उनकी टीम के द्वारा मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। वहीं आपको बता दें कि सरपंच प्रतिनिधि कमल पहलवान ने मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों का मेन चौराहे पर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मोहर्रम पर नगर में जुलूस भी निकाला गया। सागर में विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा चौथे वर्ष नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के विशेष सहयोग से दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 मरीजों ने अपना पंजीयन कराकर अपने अंगों का नाप दिया। वहीं आपको बता दें कि लगभग एक माह बाद इन मरीजों के अंग बनकर इनको लगाए जाएंगे। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेंद्र ने कहा कि हमारा प्रयास आपकी उपस्थिति से सार्थक हुआ है। आपकी दिव्यांग हमारी कमजोरी ना बने, माफ कीजिए, आपकी कमजोरी ना बने, इसलिए आप समाज के अविभाज्य अंग हैं, इसका एहसास आपको, यही हमारा प्रयास है। सागर नगर के, सागर जिले के, सागर संभाग के, इसके अलावा कोई पेशेंट सीहोर से आया है, कोई पेशेंट सिवनी से आए हैं, कोई पेशेंट किशनगर, एक पेशेंट भुवनेश्वर से आया। तो ऐसे देखिएगा, ये कैंप जो है ये बड़ा उपयोगी कैंप साबित हो रहा है ऐसे लोगों के लिए जो अपने चलने फिरने में असमर्थ हैं या उनके हाथ ना होने के लिए कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। ये कैंप उन सब के लिए मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा और हम सब मिलके ऐसे दिव्यांग बंधु बांधवों को, माताओं बहनों को उनको सक्षम बना कि उन्हें की दिशा में जो कुछ भी हम लोगों का सहयोग है, सहयोग देके उनको सक्षम बनाने की दिशा में। शहडोल जिले की बनास नदी में लापता हुए तीन युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार ब्योहारी थाना क्षेत्र के हतवार गांव के समीप बनास नदी में पिकनिक मनाने छह युवक गए थे और सभी युवक नदी के बीच एक टापू पर पिकनिक मना रहे थे, तभी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और सभी युवक बह गए थे, जिसमें से तीन युवकों का लापता होने की खबर सामने आई थी और जिसके बाद पुलिस जो है लगातार उनकी तलाश कर रही थी। वह पुलिस लापता हुए युवकों में से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जिसका शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। हालांकि उसके दो साथियों की तलाश अभी भी जारी है। लापता दो युवकों को ढूंढने के लिए लगातार 40 घंटे से एसडीआरएफ की तीन टीमें रेस्क्यू सर्चिंग कर रही हैं। ये पूरे सबसे बड़ी बात ये है कि उनके परिवार जनों ने ही कल रात से ही पूरे यहाँ के ग्रामीण जन सभी लोग सहयोग में लगे हुए हैं, क्योंकि इसके घर का चिराग आज गुमशुदा है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि वो किस स्थिति में है। सब लोग इसमें प्रयासरत है, पूरे प्रशासन तीनों जिले के एक्सपर्ट टीम कल से ही आ गई है और सुबह होते ही, चूँकि रात में जो है सर्चिंग नहीं हो पाया, सुबह से ही पूरी टीम लगी हुई है और निश्चित तौर पर उसमें प्रयास सभी का ये है कि जल्द से जल्द हम उनको खोज निकालें, जिससे कि स्थितियाँ स्पष्ट हो सके। कल जो बनास नदी में हृदयविदारक घटना हुई, जिसमें 6 बच्चे बाढ़ की चपेट में आ गए, उनमें से 3 बच्चों को कल पुलिस द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चे भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए एसडीआरएफ शेडोल, एसडीआरएफ रीवा और स्थानीय व्यवहारी पुलिस, व्यवहारी टीआई, व्यवहारी एसडीओपी और अन्य थानों का फोर्स और जनता सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक शेडोल के नेतृत्व में और सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में ये ऑपरेशन निश्चित रूप से कामयाब होगा।
छत्तीसगढ़ में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना रीपा से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण स्तर पर ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं दूसरे राज्य की ओर पलायन करने वाले ग्रामीण अब रीपा के माध्यम से गांव में ही अपनी आय अच्छी प्राप्त कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत धोरामुंडा में बांस कारीगरी के लिए इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई में ग्रामीण युवा भी काम कर रहे हैं, जिसमें युवाओं की ओर से ट्री गार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया और साथ ही आर्थिक रूप से भी सशक्त होकर आत्मनिर्भर बनाने की राह पर अग्रसर किया है। आपको बता दें कि शासन की इस कल्याणकारी योजना ने युवाओं को मजदूर से एक सफल उद्यमी बना दिया है। रायगढ़ में कल देर शाम तक मुस्लिम समुदाय के मातमी त्यौहार मुहर्रम को लेकर अलग अलग क्षेत्र से ताजा जुलूस निकाला गया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग शहर के बीचों बीच ढोल के साथ त्यौहार मनाते हुए नजर आए। हालांकि रैली के बीच समय पर बारिश ने भी खलल डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शहर के हर चौक चौराहे पर मुहर्रम का मातमी त्यौहार को देर रात तक मनाते हुए वह नजर आए। यहाँ पे चांदनी चौक में एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मिलाद उन्नति की जाती है और आज सुबह लंगर इंतजाम किया जाता है और अभी भी लंगर सर्वत्र इंतजाम चालू है जो अभी कंटिन्यू चलते रहेगा। और यहाँ पे चांदनी चौक में सभी मोहल्ले के अखाड़े ताजिया यहाँ आते हैं, उसके बाद यहाँ पे अखाड़े खेलेंगे, यहाँ से शामिल होते हुए करबला के लिए रुख करते हैं। सभी जगह से यहाँ के सम्मिलित होकर जाते हैं, सभी मोहल्ले के लोग आते जाते हैं। यहाँ पे मोहल्ले में चांदी चौक में खेलेंगे, उसके बाद इसे करके निकलते जाते हैं, क्योंकि मोहल्ले यहाँ पे चौक उतना बड़ा जगह नहीं है कि सभी लोग एक साथ मिल पाए। ये मुहर्रम का मुबारक महीना, जिसका ताल्लुक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते नवासे इमाम हुसैन से ताल्लुक है। इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान को कुर्बान किया सिर्फ इस वजह से ताकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कोई आँच ना आने पाए। यजीद जैसा बदकिरदार आदमी, जो अगर सही मानों में कहा जाए तो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसके खिलाफ इमाम हुसैन ने मोर्चा संभाल कर रहती दुनिया तक के लोगों को अमन व सुलह का पैगाम दिया और ये पैगाम दिया कि कभी भी बातिल के आगे झुकना नहीं है, बल्कि हक के लिए सर कटाने की जरूरत पड़े तो सर कटा देना चाहिए। ये 10 दिनों में मुहर्रम के उन्हीं की यादें मनाई जाती हैं, उनका जिक्र किया जाता है, उनके किरदार को बयान किया जाता है, उनके तरीकों को बयान किया जाता है कि नबी के इतने चहीते होने के बावजूद उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सर नहीं झुकाया बल्कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ दिया। बिलासपुर पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत लोगों को नशे से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में एसपी के सहयोग से लगातार शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ फिल्म के माध्यम से नशे के क्या क्या नुकसान है, ट्रैफिक नियम का पालन कैसे करें, इन सभी तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है और एक्टिंग भी की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। बिलासपुर में एसपी सर के द्वारा जो निजात अभियान चलाया जा रहा है, उसी निजात अभियान के मामले हमारी टीम ने कई सारी फिल्में बना भी चुके हैं और अभी अब नए कलाकारों के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ में भी हमें और फिल्में बनाने, जिसके लिए ऑडिशन चल रहा है। लगातार ये जागरूकता के कारण, जैसे रोड सेफ्टी हो गया, ट्रैफिक हो गया, नशे से रिलेटेड लगातार मूवी बन रही है, लगातार अभियान चल रहा है, क्या कुछ रहेगा इसमें? सर, इसमें किस तरीके से आपके द्वारा जो है रोड पे ड्राइविंग करते समय सेफ रहना चाहिए, ये हम लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। प्लस दारू की वजह से आपका, आपकी फैमिली पे, हमारे समाज पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उनको हम इस फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड ही हमारी आने वाली फिल्म है। अपना परिचय? सर, मैं आर्यन तिवारी, इस फिल्म में राइटिंग डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन कर रहा हूँ।
खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की ओर से सभी थाना प्रभारियों को निजात अभियान के तहत अवैध कार्य करने वालों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले नशे के कारोबार को रोकने और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक टीम भी गठित की गई थी। इस दौरान टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें शनिश्री बाजार पीपल रोड में आरोपियों को पकड़ा गया, जिसके बाद से 10 लीटर हाथ भट्टी का तैयार किया गया शराब, मेकड़ावेल विक्सी और इंग्लिश शराब समेत 6 लीटर शराब भी जब्त की गई है। इस दौरान आरोपियों से कुल 16 लीटर शराब जब्त करके आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो।